नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे 2019 में ग्रुप डी के 1,03,779 पदों पर बम्पर भर्ती करने वाला है, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म्स भी अप्लाई कर दिए हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं वो आगे करेंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी रहे, आप लोग पेपर में पास हो जाए, उसके लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हुए थे उसका जो सॉल्व पेपर है वो, तो इससे आप सभी का रिवीजन हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस लेवल के आते हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं और लेवल क्या होता है, हार्ड होता है, नॉर्मल होता है या फिर इजी होता है, कैसे होता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। 100 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको ये पता लग जाएगा कि आप लोग कर पाएंगे या नहीं, और सॉल्व करके दिखाऊँगा, आपको आंसर भी बताऊँगा, क्वेश्चन भी बताऊँगा, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये पहला सेट है, इसके बाद मैं आपको 10 से 20 सेट और लेकर आने वाला हूँ, तो धीरे धीरे लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको ट्रैकमैन, हेल्पर, खलासी, पोर्टर और गेटमैन, पॉइंट्समैन एवं अन्य पदों हेतु यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलने वाली है। उसके अलावा ये जो है तो कंप्यूटर आधारित आपका CBT स्टार्ट हो गया है, तो CBT परीक्षा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे नीचे चलते हैं हम लोग, कि आपको टोटल यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा है 2019 के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये अपना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इस प्रश्न में कुल आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिखेंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है और इसके अंदर गणित, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जो अपना पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 991, 1237, 981 और 1273। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1237। अभी मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, केवल आपको मुझे पेपर का जो है तो लेवल समझाना है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। बैटरी में भरा होता है लगभग, तो इसमें आपको राइट आंसर मिल जाएगा बी नंबर, 50% सल्फ्यूरिक अम्ल व 50% जल। उसके बाद तीसरा नंबर है, 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ ग्राम गंगा परियोजना निम्न में से किस योजना का एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, नमामि गंगा। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद आपका फाइव नंबर है, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, शक्ति, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। उसके बाद जो सिक्स नंबर है, शादी सगुन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आपका अल्पसंख्यक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अपना सेवंथ नंबर है, एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने बस यात्री बस में सवार हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, 45, और इसको मैं सॉल्व करके बाद में बताऊंगा। किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है तो ठीक उतने ही समय में राम नारायण 120 मीटर दौड़ सकता है, बताइए कि जब शैलेंद्र 150 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय राम नारायण कितने मीटर दूरी पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, 90 मीटर। आप लोगों को बस क्वेश्चंस का जो तो लेवल समझना है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, काम पाने का अधिकार। उसके बाद दसवां नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो भी सी नंबर होगा, 6 वर्ष का। उसके बाद जो अपना अगले नंबर क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, अग्न्याशय,
इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 12 है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर 500। उसके बाद 13 नंबर है, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत। और उसके बाद 14 नंबर है, 14 नंबर, केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर लोकसभा। उसके बाद 15वां नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो 15वां नंबर का आंसर होगा ए नंबर, आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं भारत। और उसके बाद मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो 16वां नंबर का सी नंबर होगा पेशवा। मराठा प्रशासन में आप लोगों ने देखा होगा पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, और अभी आप लोगों ने बाजीराव में भी देखा होगा उसमें भी पेशवा थे। और उसके बाद द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की। उसके बाद भारत भारती का लेखक कौन है, तो 18 नंबर में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर मुइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद 20वां नंबर है, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसके बाद कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर 5 वर्ष। उसके बाद है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर चीन। उसके बाद महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर पल्लव वंश ने। उसके बाद नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर गिल्डर। उसके बाद 25वां है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 11 जुलाई, 4 अक्टूबर, 31 मई, 10 दिसंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा 11 जुलाई। उसके बाद 26 नंबर है, खगोली पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर एस्ट्रोनोमी। उसके बाद 27वां है, जब हम किसी वक्त को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या जात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर त्वरण। उसके बाद है 28 नंबर, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी ने सुना होगा, 28 नंबर को जो राइट आंसर होगा वो भी होगा डी नंबर सूर्य। उसके बाद यदि माइनस जोड़ने प्लस घटाने और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है गुणा भाग और भाग गुणा करे तो इतनी संख्या का मान क्या होगा, तो 29वां नंबर का आपका आंसर सी होगा, आप लोग निकाल भी सकते हैं 15। उसके बाद दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं, तो इसमें जो है तो राइट आंसर होगा आप सभी का सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला अपना है भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 31 का डी नंबर फ्रांस से। और 32 है, भारत में है कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक दंड विधेयक है अथवा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है, 33 नंबर में राइट आंसर होगा बी नंबर बिहार। उसके बाद भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 34 का यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर आलम आरा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलम आरा एक ऐसी फिल्म थी जो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। उसके बाद पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का वो सी नंबर होगा पत्ती। उसके बाद अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ग्रेगर मेंडल। उसके बाद एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट विधि से लिखा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उस कूट भाषा में दिए गए अक्षरों को कैसे लिखेंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा 5298067। उसके बाद 38 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को ही हो गई थी। और उसके बाद 39 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा 15।
उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाअभियोग चलाया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर रामास्वामी, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और उसके बाद 41 नंबर है शेयर बाजार घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा राम निवास, यहाँ पे मृधा दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 42वां नंबर है औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई, तो 42वां नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर इंग्लैंड में। उसके बाद 43 है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी नंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा आई। उसके बाद किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो 44वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पंजाब। उसके बाद बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो 45वां का आपका ऑप्शन होगा बी नंबर राइट स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद निर्मला सीतारमण कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहला रक्षा मंत्री बनी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का वो ए नंबर होगा सुखाई 30, यहाँ पे आप लोग देख भी पाएंगे। उसके बाद तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर 373। उसके बाद रोगग्रस्त बिक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर परासरण। उसके बाद दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर पायस का उदाहरण है। उसके बाद 50 नंबर है DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर कीटनाशक। उसके बाद 51 नंबर है धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो 51 में ए नंबर होगा अपमार्जक। उसके बाद 52 नंबर है कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है जिसका कारण निम्नलिखित का बन जाना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी नंबर लैक्टिक अम्ल का। और उसके बाद 53 है जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर एक ही संख्या होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर कोशिका भित्ति। उसके बाद जो 55 नंबर है यदि एक्स अनुपाते बाई तथा 3:1 होता है एक्स की पावर 3 - y की पावर 3 अनुपात बाई की एक्स की पावर 3 + y की पावर 3 किसके बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा 13:14 यानी कि 13:14। उसके बाद 56 नंबर है ये आप लोग मैथ का इसको देख लीजिएगा, 57 भी मैथ का ही है। और उसके बाद इसको बताते हैं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, तो 58 नंबर का ऑप्शन होगा डी नंबर राइट आंसर 60। उसके बाद यदि संख्याओं का योग 22 हो तो उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो 59 का राइट आंसर होगा ए नंबर 40। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर सियाल। उसके बाद अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है, तो 61 में ए नंबर होगा प्रशांत महासागर। उसके बाद 62 नंबर है इसको आप लोग देख लीजिएगा, 63 नंबर आपके सामने है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके, किसी संख्या का एक ऊंचाई 1/5 भाग 20 है तो उस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा, तो 65 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा 80। उसके बाद 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर 0.04। उसके बाद 67 है दो संख्याओं का योग 1/2 है और अंतर 3/4 है तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी डी नंबर 5/8 होगा। उसके बाद 68 है राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा 30 वर्ष। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उसके बाद भी सेम है, उसके बाद भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए XUROI, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आई। उसके बाद है
फिर से रिक्त स्थानों, इनमें से 73 नंबर, इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो ईडी पीक्यू टीयू एमओ, तो इनमें से कौन सा भिन्न है? तो डी नंबर, इनमें से एमओ सबसे भिन्न है। उसके बाद एक्स और बाई एक ही संतान है, एक्स ए बाई ए जो है तो एक्स का पिता है परंतु बाई उसका पुत्र नहीं है, बाई का ए से क्या रिश्ता है? तो ये रिलेशन वाले क्वेश्चन से इनमें जो आंसर होगा वो पुत्री, डी नंबर राइट आंसर होगा। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ध्यान रखिएगा गुरुवार के दिन। उसके बाद गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, बुलंद दरवाजा का निर्माण। उसके बाद 77 है, प्रथम तीन क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल, तो 77 नंबर का सी नंबर राइट आंसर होगा, 48 नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट है 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 नंबर का वो होगा डी नंबर, ये सभी जो है तो भारत रत्न, शौर्य चक्र और परमवीर चक्र सभी जो है तो भारतीय राष्ट्रपति ही देते हैं। उसके बाद शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था का नाम निम्न में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, आप लोग यहां पे देख पाएंगे यूनेस्को। उसके बाद है 80 नंबर, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, 10 दिसंबर 1948 को। उसके बाद है 81 नंबर, किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी ए नंबर होगा, बिहार। उसके बाद 82, भारत का नौ वाहन प्रणाली क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, IRNSS। उसके बाद 83, श्रीलंका में रहने वाली पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, विद्दा। उसके बाद देखते हैं 84, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, जिप्सम। उसके बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, NH44। उसके बाद 87, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान क्या होगा? ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऋणात्मकता। उसके बाद 88 नंबर, इसको सॉल्व करना होगा आप सभी को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सीधे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, पेट्रोलियम के आयात पर। उसके बाद 91 है, पहाड़ों पर दाल गलाने में होने वाली समस्या का कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, वायु दाब घटना। उसके बाद 92 है, जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी पर, यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार करके, उच्च शिक्षा से और कानूनी व्यवस्था से। उसके बाद हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा हार्मोन्स अंडाशय में से ग्रवित नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, टेस्टोस्टेरोन। और बाकी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। निम्न में से कौन बाह्य संवेदी अंग की ऋण श्रेणी में नहीं आता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, स्नायु। बाकी त्वचा, कर्ण, नेत्र सब बाह्य अंग है। उसके बाद उच्च श्रेणी के पादपों में शीघ्र स्थित वृद्धि का प्रभावी कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, एंजाइम हार्मोन्स प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 96 है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, सोडियम का। ना कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नियॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन आपको सोडियम को ध्यान रखना है। उसके बाद अपना जो 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ये सभी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, सभी एक प्रिंटर ही है। निम्नलिखित में से किस में वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ना पेन ड्राइव, ना प्रिंटर, ना डीवीडी। उसके बाद है 99, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने के प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर, मालवेयर।
देन 100 नंबर, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे मैक, एपी, क्विक हील और अपेरा नाइटन। तो इसमें से राइट आंसर होगा बी नंबर, अपेरा। उम्मीद है आज के जो क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट के आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, इसी लेवल से आपके ग्रुप डी में आएंगे, बहुत ही ईजी लेवल होता है। अभी मेरे पास 100 सेट पड़े हुए हैं, तो आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।